चलो ओके। मैम एक फोन से दो एक फोन से दो है, नाम बताओ बेटा। दो आरजू मतलब? आसिना, हाँ जी, आरजू आसिना। आरजू और आशीना। यस मैम। ठीक है बेटा, ये मुझे मैम पूछना। हम एक फोन से तीन है मैम। तीन है बेटा, अच्छी बात है। चलो नाम बताओ अपना। परवीन, हाँ, परवीन, गुरमीत, गुरमीत सरिता। एंड सरिता। ठीक है बेटा, देखो दो नंबर तो मतलब दो यहाँ से एक वहां से, तीन बच्चे तो ऐसे ही पोल में कम हो गए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि पोल में आंसर कम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आगे बता दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम यही पढ़ रहे थे, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम पूर्णांकों पे इंटीजर्स पे आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राकृत संख्या, है ना, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किससे दर्शाते हैं? सिंबल था हमारा जेड, सॉरी सिंबल था हमारा एन, कैपिटल एन। और ये कैपिटल एन हमारा कहाँ से आया था? ये अंग्रेजी से ही, नेचुरल से एन हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो प्राकृत संख्या को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यस, ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को काउंटिंग के लिए जो नंबर्स का यूज कर रहे हैं, वही हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती है। और ये चीज मैंने आपको बताया था कि इसमें जीरो शामिल नहीं होता। जीरो शामिल क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं ना, आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे जीरो चीजें दे दो या मुझे जीरो टॉफी दे दो। अब काउंटिंग में जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वन से ही शुरू करोगे, एक दे दो, दो दे दो, तीन दे दो, है ना। तो जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता। और ये कहाँ खत्म होती है? कहीं खत्म नहीं होती, चलती ही रहती है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्याओं की बात। और ये भी मैंने आपको बताया था कौन सी संख्या हमारी प्राकृत संख्याओं में नहीं आती है। क्वेश्चंस करे थे ना इसी में, कि जो 3/4, 5/6, ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं हमारे कभी भी प्राकृत में नहीं आते हैं। टाइप की संख्याएं प्राकृत संख्याओं में नहीं आती। ठीक है, डेसिमल नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है, दशमलव वाले कोई भी नंबर हो किसी भी तरीके के, वो भी हमारी प्राकृत संख्याओं में नहीं आते। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इस तरह की संख्याएं भी हमारी प्राकृत में नहीं आती, नेचुरल्स में नहीं आती। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर मैं लिखूं आपके सामने वर्गमूल 4, अंडररूट 4, आप मुझे बताओ कि अंडररूट 4 या वर्गमूल 4 एक प्राकृत संख्या है या नहीं? यस और नो, चैट सेक्शन में लिखिए। ये वाली चीज ना पिछले क्लास में रह गई थी, तो आज मैं इसे कवर करवा रही हूँ। ध्यान से सोच के बताना, वर्गमूल 4 एक प्राकृत संख्या है या नहीं है? वो काफी बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा बताओ क्यों है, क्यों हो सकती है वर्गमूल 4? यस, वेरी गुड, एकदम सही बोला आप लोगों ने। क्योंकि आपको पता है वर्गमूल 4 या अंडररूट 4 कौन से नंबर का होता है? भाई 2 का, जो वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 ही तो होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो अंडररूट 4 को आप 2 भी तो लिख सकते हो ना, याद आया? भाई अंडररूट 2 का वर्गमूल मतलब 2 का स्क्वायर, या 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो अगर मैं इनका वर्गमूल निकाल दूं, लगा दूं इनके ऊपर, तो रिवर्स करके यही संख्याएं मिलती है मुझे। ये होगा 2 के बराबर, ये होगा 3 के बराबर। तो वर्गमूल 4 को मैं 2 लिख सकती हूँ। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी ना, जिनका वर्गमूल होता है एक्चुअल में, ऐसी संख्या प्राकृत में आएंगी। क्योंकि आप इसे सॉल्व करके प्रॉपर प्राकृत संख्या में कन्वर्ट प्रॉपर कर प्राकृत सकते। संख्या में कन्वर्ट कर। क्लियर क्लियर हुई ये चीज सभी को? तो इसके लिए आपको मैम। वर्गमूल भी याद रहने चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग के कम से कम 15-20 तो आपको याद होने चाहिए, वो आपके कैलकुलेशन में भी यूज है।
हाँ दूसरी चीज माइक ऑन नहीं करना है, देखो मेरी आवाज रिपीट होगी अगर आप माइक ऑन करोगे तो। चलिए तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ये भी इंग्लिश से आया है, डब्ल्यू होल से यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको पता है कि यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो को और आगे जोड़ दूं, जीरो और इंक्लूड कर दूं, बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। यस, दिख जाएगी। अगर मैं इस नेचुरल नंबर्स के या प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में जीरो को और जोड़ दूं साथ में, तो जो नया ग्रुप बना, जो नया संग्रह बना, यही हमारी पूर्ण संख्याओं का संग्रह बना, यही हमारा होल नंबर कहलाता है। तो उसी की तरह ये भी अनंत तक चलती रहती है, इनका भी कोई एंड नहीं होता, ठीक है। और एक और चीज बताई थी कि कौन सी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, होल नंबर्स में नहीं आती, सेम जो प्राकृत के लिए तीन बटे चार, पांच बटे आठ, इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी वो नहीं होंगी, ठीक है। दशमलव वाली भी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। सेम वही वर्गमूल वाली वो आप देख लेना, अंडर रूट पांच, तीन, ठीक है, आठ, इस तरह की संख्याएं हमारी कभी भी पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, ठीक है। और हाँ एक और चीज ये भी याद रखना कि जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है, माइनस का एक, माइनस का दो, इनकी तो मैंने कहीं बात ही नहीं करी, तो ये भी हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं इंक्लूड होगी, ठीक है, होल नंबर्स में नहीं आएगी, ठीक। सभी को क्लियर इतना? यस, चैट सेक्शन का यूज करेंगे, गुड। चलिए तो इंटीजर्स में जाने से पहले ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट बेटा स्क्रीन चली गई होगी, एक मिनट का समय देना, अभी फिर से मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। क्लास से लीव मत होना बेटा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन करेंगे हम पोल सेक्शन में पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि हमारा पूर्णांक। स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ मैं, हाँ आ जाएगी, अभी आ जाएगी। क्वेश्चन दिख गया होगा, अगर आवाज भी नहीं आ रही बेटा क्लास लीव करके, वही सॉल्यूशन, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा रिकॉल टेस्ट के नाम से, दिख रहा है, आपसे पूछा है निम्न में से पहली पांच सम पूर्ण संख्याओं की पहचान करो, स्टार्टिंग की फाइव इवन होल नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करने, ठीक है, और इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, पोल में कीजिए आंसर, इनके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है।
ठीक है, 19 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। मैम यस मैम ऑप्शन पे मैम क्लिक कर रहे, तब मैम वो कुछ नहीं दिखा रहा मैम। बेटा, ऑप्शन पे टिक कर दिया, जो ऑप्शन आपको लग रहा है हाँ मैम, ऐसे आ रहे हैं। आपने मान लो सी पे टिक किया, सी पे टिक किया, नीले कलर का हो गया होगा, ब्लू कलर का, नीचे नहीं हुआ कुछ मैम, कुछ नहीं हुआ मैम, नीचे एक नहीं हो रहा, तो बेटा इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, फिर नेटवर्क इश्यू है। एक बार दोबारा ट्राई करो, एक बार दोबारा कोशिश करो। मैम वो टिट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा नो मैम, तो कोई बात नहीं बेटा, फिर आप ना चैट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है, कोई ओके प्रॉब्लम मैम। नहीं। चलो बेटा, सभी ने आंसर कर दिया, लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब जिनका नहीं आया ना पोल में, वो चैट में कर दो आंसर। चलो चैट सेक्शन में कर दीजिए। यस, सभी ये ऑप्शन बोल रहे हैं। बाकी बच्चे भी कीजिए जिन्होंने नहीं किया। पोल में 9 बच्चों का आंसर नहीं आया, तो मेरे पास चैट में 9 आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यही क्वेश्चन ना मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैंने कहा था सबसे छोटी जो इवन होल नंबर होता है, सबसे छोटा सम पूर्ण संख्या, मैंने आपको बोली थी 2 होती है, याद आया? तो मेरे हिसाब से तो इस ऑप्शन में ऐसे होना चाहिए था, 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि सबसे छोटी जो संपूर्ण संख्या होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पे 0 है ऑप्शन में, है ना? तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे गलत है, बट अगर इनमें से कोई ऑप्शन बाकी हो नहीं सकते तो आप ए पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है? वैसे स्टार्टिंग भी यही होनी चाहिए, 5 हमारी संपूर्ण संख्या, ठीक है, 0 नहीं इंक्लूड होना चाहिए इसमें, क्योंकि हम सम संख्याओं को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इवन नंबर्स को, जो 2 से विभाजित हो जाए, विच आर डिविजिबल बाई 2, या फिर 2 के टेबल में आया, है ना, मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर हुआ सभी को इस क्वेश्चन में? हाँ बेटा, 0 नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है? और क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन इसके आंसर नहीं हो सकते, तो हम ए पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए हम ए पे ही टिक लगाएंगे, बाकी हम इसको आगे देख लेंगे, मैं देख लूंगी आगे आपके इसका आंसर, वैसे ये होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम, ठीक है, फिर भी नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको एक बार देख के बता दूंगी, वैसे आंसर तो यही होना चाहिए, मे भी हो सकता है शायद मैं गलत हो जाऊं, बट अभी के लिए मुझे 2, 4, 6, 8, 10 ही कंफर्म है, यही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। हम पूर्णांक देख रहे थे, है ना? पूर्णांकों को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैंने आपसे बोला था कि यदि मैं धनात्मक संख्याओं को एक साथ ले लूं, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इनका ग्रुप ले लिया मैंने, साथ में मैंने ले लिया शून्य को, ये 0 को ले लिया, ठीक है, और साथ में मैंने ले लिया ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर्स। तो जो तीनों नंबर्स का जो सेट बना ना मेरे पास, इस पूरा ग्रुप बना, यही मेरा पूर्णांक कहलाता है, यही मेरा इंटीजर्स कहलाता है, जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करती हूँ, यही बताया था मैंने पिछली क्लास में, और फिर मैंने आपको इसको एक नंबर लाइन में भी और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसे बताया था, नंबर लाइन में मैंने बताया था 0 मिड में होता है, ये वहां 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चलती है, ये यहाँ -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक चलती रहती है, ठीक है?
फिर मैंने बताया था शून्य से जो बड़ी संख्याएं होती है मतलब जीरो के दाई तरफ राइट हैंड साइड, उन्हीं संख्याओं को हम मतलब एक से लेके जो अनंत तक है इन संख्याओं को हम धनात्मक संख्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव नंबर यही तो होंगे, यही होंगे। और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है बाई तरफ है इन्हीं संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्या बोल रहे हैं या नेगेटिव नंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने एक और चीज बताई थी भाई, जो जीरो होता है ना तो नेगेटिव नंबर होता है, ना तो नेगेटिव होता है, ना ये पॉजिटिव होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ना ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है। और ये मैंने क्यों बोला था, क्यों है जतिन के नाम से जो बच्चा बेटा, वीडियो ऑफ करिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। जीरो ना तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, ना धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है। क्यों? क्योंकि मैं ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को शून्य से कंपेयर कर रही हूँ ना, शून्य के हिसाब से तो बता रही हूँ कि जीरो से बड़ी हो गई धनात्मक पॉजिटिव और जीरो से छोटी हो गई ऋणात्मक। तो जीरो को मैं किससे कंपेयर करूं, किसी को अपने आप से तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती ना। दो चीजों को हमें कंपेयर करने के लिए, आपस में कंपैरिजन करने के लिए दो चीजें तो चाहिए। जीरो को खुद से तो नहीं बोल सकती जीरो को खुद से बड़ा या जीरो को खुद से छोटा, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक को मैंने जीरो से ही कंपेयर किया। जीरो से बड़ी संख्या होगी धनात्मक, जीरो से छोटी होगी ऋणात्मक। तो जीरो ना तो ऋणात्मक में आता है ना धनात्मक में आता है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो शून्य से बाएं तरफ की संख्या है ना, ये ऋणात्मक संख्या, ये घटते हुए क्रम में होते हैं। घटते हुए क्रम में मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगी सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी चैट में बताइए, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन सुनो, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर नंबर भी इंटीजर, यस माइनस वन, वेरी गुड, है ना। क्योंकि इसके बाद की जो बाकी संख्याएं है ना, बाकी जो नंबर से नेगेटिव वाले, वो घटते रहते हैं, घटते हुए क्रम में। माइनस वन बड़ा, फिर माइनस टू उससे छोटा, माइनस थ्री उससे छोटा, माइनस फोर उससे छोटा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप टेम्परेचर देखते हो ना, ठीक है, तापमान देखते हो, आपको पहाड़ों का जो तापमान होता है शून्य डिग्री है ना, माइनस का चार डिग्री, माइनस का पांच डिग्री, आपने नोटिस किया होगा जितना ज्यादा ये नंबर बढ़ता है ना उतना ज्यादा ठंडा होता है ना, उतना ज्यादा टेम्परेचर मतलब उतना ज्यादा और ठंडा होता है। इसलिए हम टेम्परेचर से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव वाली संख्या और बड़ी बड़ी आएगी तो मतलब तापमान और घट रहा है, ठीक है, तापमान और घट रहा है, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। यस, चैट सेक्शन में अननेसेसरी बातें नहीं लिखनी निशांत। चलिए अब मैं इंटीजर्स की एक और डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, एक और डेफिनेशन आप लोग मुझे बताना ये हो सकती है या नहीं। अगर मैं पूर्ण संख्या में जोड़ दूं ऋणात्मक संख्या, यस बोलिए, पूछिए बेटा क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं मैम, ये मेरा भाई बोल रहा था। बेटा माइक को म्यूट रखो। देखो पूर्ण संख्याओं के साथ अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को ले लूं तब भी क्या मेरा इंटीजर्स का ग्रुप बनेगा, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स एक साथ मैंने इकट्ठे कर लिए, तो जो नया ग्रुप बना क्या वो इंटीजर का हुआ या नहीं, यस और नो। कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा है नो, सभी को ऐसे लग रहा है, वेरी गुड, होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूर्ण संख्याएं होल नंबर जीरो से शुरू होती हैं, तो ये रही मेरी पूर्ण संख्याओं का ग्रुप, और इसमें मुझे ऋणात्मक संख्या और जोड़ देनी है नेगेटिव नंबर्स, तो इस तरफ आ गए सारे नेगेटिव नंबर्स माइनस वाले, तो बन गया ना फिर से ये सेट पूरा, ये ग्रुप पूरा फिर से इंटीजर्स का बन गया, ठीक है। तीसरी एक और परिभाषा इसकी बन सकती है, वो भी देख लो। तीसरी परिभाषा बनेगी
अगर मैं प्राकृत संख्याओं में, अगर मैं प्राकृत संख्याओं में या नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दूं जीरो, ठीक है, शून्य ले लूं साथ में, और फिर उसके साथ में ऋणात्मक संख्याएं ले लूं, तो भी जो मेरा नया ग्रुप बनेगा क्या वो इंटीजर्स का होगा? यस और नो? ध्यान से देखो, प्राकृत संख्या, माइक कौन ऑन कर रहा है बार बार बीच में? माइक ऑन नहीं करना बेटा, निखिल मैं अपनी तरफ से माइक को बिल्कुल ही बंद करवा दूंगी कि आप लोग बोल ही नहीं पाएंगे, वो मैं ऑप्शन यूज करना नहीं चाहती। माइक ऑन मत करिए बिल्कुल भी बीच में। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स वन से शुरू होती है, तो ये तो रही हमारे नेचुरल नंबर्स का ग्रुप प्राकृत संख्याओं का, साथ में जीरो ले लेना है और साथ में ऋणात्मक संख्या है नेगेटिव नंबर्स, बन गया फिर से मेरा इंटीजर्स का ग्रुप, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली हूँ बेटा, होमवर्क है ना वो बाद में दिखाना, मुझे होमवर्क बाद में दिखाना क्लास के एंड में, अभी यहाँ पे समझ लो। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, तो पहले तो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ आपको, प्रश्न देखना। प्रश्न है आपका, क्या सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं जितनी भी है, होल नंबर्स जितने भी है, पूर्णांक होते हैं? इंटीजर्स होते हैं? आप लोग मान नहीं रहे ना, चलो मैं आपके माइक सभी के परमानेंटली ऑफ करवा देती हूँ, अब ऑन करके दिखाओ, कोई ऑन नहीं कर पाएगा। इसका आंसर चैट सेक्शन में बताइए कि क्या सारे हमारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? यस और नो, सोच समझ के बताइए। मुझे ऑप्शन लगाने पे मजबूर मत करो, ठीक है, फिर मैंने माइक ऑन कर दिया है, मैं माइक परमानेंटली ऑफ कर दूंगी अगर फिर से मुझे माइक ऑन अननेसेसरी किसी का दिखा दे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ जिसको भी नहीं दिख रही है ना एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा फिर वही, आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही तो नेटवर्क इश्यू होगा, नेटवर्क इश्यू होगा जिसको भी आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलिए तो इसका आंसर है यस। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी करे थे, यस क्यों है, तो आपसे बोला है कि क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के अंदर आती है, यानी इस प्रश्न का ये मतलब है कि क्या सभी के सभी होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं, यानी तो मैं पहले इंटीजर्स का ग्रुप ले लेती हूँ, ये रहा मेरा पूरा का पूरा पूर्णांकों का ग्रुप, ठीक है, जिसमें हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी है, ठीक है, नीले रंग से जो दर्शा रहे हैं सारे के सारे आपके पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। अब मुझे देखना है क्या इसके अंदर मुझे पूर्ण संख्याएं मिल रही है, होल नंबर्स मिल रहे हैं। हाँ अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, जीरो से इस तरफ जाऊं, जीरो से लेके अनंत तक, ये सारा जो ग्रुप है ये तो हमारा पूर्ण संख्याओं का ही है ना, होल नंबर्स का, ठीक है, तो हम यहाँ से ये बोलेंगे हाँ सभी हमारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं क्योंकि उसी के अंदर आ रही है ना, सारे होल नंबर्स तो हमारे इंटीजर्स के अंदर ही रहे हैं। ये नहीं देखना कि बचा कितना है, मुझे ये देखना है कि जो पूछा हुआ है होल नंबर्स वो तो आ ही रहा है ना, नेगेटिव नंबर्स को नहीं देखेंगे हम, पूर्ण संख्या तो आ ही रही है पूरी,
क्लियर हुआ? मैम एक बार फिर से करा दो। एक बार फिर से बता दूं, देखो आपको प्रश्न में ये पूछा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन का मतलब यही है कि क्या पूर्ण संख्याओं का जो पूरा ग्रुप है वो पूर्णांक के अंदर आ रहा है नहीं। तो सबसे पहले मैंने पूर्णांक का ग्रुप ले लिया, ये जो नीले रंग से दिखा रही हूँ मैं, ब्लू कलर से, ये सारा पूर्णांक है ना, जेड मतलब पूर्णांक। अब इसके अंदर आपने देखा कि जीरो से लेके जो अनंत तक यहाँ जा रहा है, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो साथ में जीरो, तो ये जो पूरा ग्रुप बना ये तो हमारा पूर्ण संख्याओं का बना बना ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ सभी पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं। ठीक, चलो अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब कि क्या सभी पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? उल्टा करके बताओ कि क्या सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना, जेड से रिप्रेजेंट करती हूँ, क्या सभी पूर्णांक, जेड मतलब पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, डब्ल्यू मतलब पूर्ण पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर। अपोजिट ट्रू है या नहीं, यस और नो? अपोजिट के लिए सभी बच्चे नहीं बोलते, एक बच्चे ने बोला है कि हाँ, सुनील वर्मा और राजेश मरोड़िया के नाम से जो बच्चे हैं। बेटा क्यों होती है, रीजन बताओ, बता सकते हैं क्यों होती है? आपने बोला है हाँ होती है, सुनील वर्मा के नाम से जो है, माइक ऑन करके बताइए क्यों होती है, क्यों लगा आपको? नहीं, ठीक है मैं समझाती हूँ इसका उत्तर है जो बाकी बच्चों ने दिया है कि नहीं होती है। तो पूछा यही कि सारे के सारे पूर्णांकों का जो ग्रुप है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है, कैसे आ सकता है? तो बोल के ही पता चल रहा है तो ये रही मेरी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ये रहा मेरा होल नंबर्स का ग्रुप, ब्लू कलर से पूरा सेट मुझे होल नंबर्स का दिखा रहा है, ये रहा डब्ल्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ इस होल नंबर के ग्रुप में आपको कहीं पूर्णांक नजर आ रहे हैं? पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, नजर आ रहे हैं किसी को होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स दिखे? कहाँ है? तो फिर कैसे बोल सकते हो आपकी सारे के सारे पूर्णांक, सभी पूर्णांकों की बात कर रही हूँ मैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, सब इंटीजर्स नहीं आते हैं हमारे होल नंबर्स के अंदर। क्लियर हुआ? नेगेटिव तो छूट ही गए, ये तो आ ही नहीं रहे हैं, इनका क्या करोगे, अलग पार्ट तो है ही नहीं हमारे होल नंबर्स के अंदर। क्लियर सभी को? यस मैम। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके? यस मैम। अगर ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चन आप कर ही लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दी, डायग्राम को ध्यान से समझना। ये जो सबसे बड़ा मैंने अंडाकार आकृति बनाई है, ये आकृति पूरी की पूरी मेरी दिखा रही है पूर्णांकों को, डिट मतलब पूर्णांक, इंटीजर्स को शो कर रहा है। इसके अंदर ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर की आकृति है, ये मुझे दिखा रही है पूर्ण संख्याओं को, होल नंबर्स को, ठीक है। इसके अंदर एक और ग्रीन कलर की आकृति है, ये आकृति दिखा रही है मेरे प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, ये आकृति दिखा रही है प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर को। तो आप मुझे बताओ क्या मैंने डायग्राम जो बनाया सही बनाया? सबसे बड़ा था मेरा इंटीजर, सबसे बड़ा था मेरा पूर्णांक, उसके अंदर था मेरा पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, उसके अंदर था मेरा नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं। विष्णु राजपूत बेटा, विष्णु वीडियो ऑफ करिए, मैंने बोला ना क्लास के बीच में मुझे डिस्टरबेंस नहीं पसंद बिल्कुल भी। समझ में आया सभी को?
तो ऐसे ही सोचना है कि जो बड़ा सा इंटीजर था, ठीक है, पूर्णांकों का ग्रुप था, उसी के अंदर मेरी पूर्ण संख्याएं आ रही थी, और पूर्ण संख्याओं के अंदर मेरी प्राकृत संख्याएं आती है, नेचुरल नंबर्स आती है। ठीक, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। मैम फिर से बताना, फिर से बताऊं मैं इसको ना एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। मुझे देना पड़ गया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देखो फिर से, मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख लेती हूँ, आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैम समझ में नहीं आया, ये मेरी बहन थी। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ठीक है देखो, मैंने ना पहले पूर्णांक का ग्रुप ले लिया, ये रहा पूर्णांक। ठीक है, माइनस का एक, माइनस का दो, ये नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रुप बन गया ना, इसी को मैंने सर्कल के अंदर ले लिया कि ये पूरा का पूरा मेरा पूर्णांक है। ये चीज समझ में आई, पूर्णांक लिए मैंने, उसको पूरे एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया, मतलब अंडाकार आकृति के अंदर, ओवल शेप के अंदर। सरिता शर्मा बेटा, मैं सच में बता रही हूँ, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि ना आपका माइक ऑन होना चाहिए, ना वीडियो ऑन होनी चाहिए, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बेटा, जो भी मैं चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पास, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगी सबकी यहाँ से, फिर आप ना माइक ऑन कर पाएंगे ना वीडियो ऑन कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा सेट हमारे इंटीजर्स का हो गया। फिर मैंने कहा इसके अंदर मैंने रेड कलर की आकृति बनाई, जीरो से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा ग्रुप है, ये मुझे बताओ ये पूर्ण संख्याओं का है या नहीं। होल नंबर्स का ग्रुप आया रेड कलर से, यस और नो। वही डायग्राम बना रही हूँ मैं विद एग्जांपल्स। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक, चलो एक और बना था इसके अंदर। अब मैं वन से लेके अनंत तक, वन से लेके ये अनंत तक, ये जो ग्रीन कलर का है, ये हमारा प्राकृत संख्याओं का ग्रुप है यानी नेचुरल नंबर का है। तो यही डायग्राम तो मैंने पहले बनाया था, अभी मैंने एग्जांपल से बना दिया, पहले मैंने विदाउट एग्जांपल बनाया था। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आप लोग सब रेडी है कॉल में क्वेश्चंस करने के लिए। अब मैं कॉल सेक्शन में क्वेश्चंस देने वाली हूँ आप लोगों को। तो मेरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुकेगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कॉल सेक्शन में आने वाले हैं। ठीक है, बस स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। तो मैक्सिमम बच्चे पोल सेक्शन, हाँ बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, बस अभी दिख जाएगी। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ बस बेटा स्क्रीन आ गई, अब शो हो जाएगी। दिख गई? दिख गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अब मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि अब पोल में एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक को आपने पहचानना है। सातवां प्रश्न कीजिए सभी पोल सेक्शन में, में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर। इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी 9 में से 7 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का अभी भी गलत हो गया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो।
दोबारा ज्वाइन करो। चलिए 13 बच्चों ने आंसर कर दिया बेटा, 13 में से अभी भी 4 बच्चों ने गलत करा है। गलत क्यों हो रहे हैं इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी? इन टीचर्स को हमने इतने अच्छे से समझ लिए थे, पहचानना है कौन सा प्रोनाउंस नहीं है। मैम किस किस के? नहीं बेटा वो तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं किस किस का गलत है, ठीक है। चलिए मैम स्क्रीन नहीं दिख रही थी, सब गलत हो गया, मैम चैट सेक्शन में कर देंगे। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1 चलो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर जिसका भी रह गया है। चैट सेक्शन में सभी का ठीक है। पूर्णांक है, हमने पढ़ा है ऋणात्मक संख्या हमारी पूर्णांक होती है। मैंने आपसे बोला, मैंने कहीं बोला ही मेंशन किया कि 1/2, 3/4 इस तरह की संख्याएं कभी पूर्णांक नहीं होती। जैसे हमने पूर्ण संख्याओं में पढ़ा था और प्राकृत संख्याओं में पढ़ा था ना, इस तरह की संख्याएं नहीं होती उसके अंदर। तो पूर्णांकों में भी सेम यही, इंटीजर्स में भी इंक्लूड नहीं होती इस टाइप के नंबर्स, डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड नहीं होते, ये वर्गमूल वाले भी इंक्लूड नहीं होते। तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप निकाल सकते थे ना, जब मैंने इस तरह की संख्याओं की बात ही नहीं करी पूर्णांकों में इंटीजर्स में, तो आंसर में होगा कैसे। और चैट सेक्शन में काफी बच्चों ने ऑप्शन पे टिक किया होगा, किया हुआ है, बी पे भी किया है, सी पे भी किया है, डी पे भी किया है, और उत्तर इसका ए है, यही पूर्णांक है। ठीक, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन गलत मत करना आप। 8th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? मतलब आपको ऐसी एक फाइंड आउट करनी है जो होल नंबर भी हो, ठीक है, इंटीजर भी हो पर नेचुरल नंबर ना हो। प्रश्न समझ में आ गया? ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या भी हो, मतलब ऐसी संख्या जो पूर्ण के अंदर भी आ रही हो, पूर्णांक के अंदर भी आ रही हो, लेकिन प्राकृतिक की संख्याओं के अंदर ना आ रही हो। क्वेश्चन सिंपल सा ये है, ठीक, ऐसा नंबर जो होल नंबर्स में भी आता हो, इंटीजर में भी आता हो, बट नेचुरल नंबर में नहीं आता हो। 8 में से सिर्फ 4 बच्चों का आंसर ठीक है, अगेन 4 बच्चों का गलत। पहले प्रश्न को समझ लिया करो, इतनी जल्दी क्या होती है आप लोगों को आंसर करने की? क्वेश्चन आप समझते नहीं हो, सीधा जाके पोल सेक्शन में आपको आंसर करना होता है। मैम डी आएगा इसका आंसर, डी हो चाहे ए हो कोई सा भी हो, बट माइक ऑन करके आंसर नहीं कर सकते। मैम विष्णु कर रहा है मैम। हाँ आंसर नहीं करना विष्णु क्लास में बिल्कुल भी माइक ऑन करके, पहले क्लास तो नहीं है ना आपकी, आपको पता है नहीं करना। चलिए 15 में से 9 ही बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का गलत है, नहीं गलत नहीं होने चाहिए बेटा परसेंटेज। बाकी बच्चे भी करो, सिर्फ 15 ने आंसर किया है। लास्ट के 5 सेकंड्स और, 5 4 3 2 1 अब ना सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो, सभी बच्चे करेंगे चैट में आंसर, जिन्होंने पोल में किया वो भी करो, जिन्होंने पोल में नहीं किया वो भी करो चैट में आंसर। अब वही आंसर टाइप होने चाहिए जो आपने पोल में किया है। सभी बच्चे, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। मेन चीज ये नहीं है कि आप आंसर सही कर रहे हो या नहीं,
ठीक है सही कर रही हो तो, बट अगर आप गलत कर रहे हो तो मुझे तो पता होना चाहिए ना बेटा कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, मैं कैसे सॉल्यूशन करूंगी उस चीज का। अगर आप चैट सेक्शन में सभी के सभी जो आंसर आ रहा है उसी को कॉपी पेस्ट कर दोगे, जो आपने किया है जो आपको लग रहा है वही आंसर टाइप कर, ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ठीक है ओके मैम, कौन सा उत्तर सही है इसमें से? हाँ मैं बता रही हूँ, पहले मैं चैट सेक्शन में आंसर्स देख रही हूँ किस किसने गलत किया है। ठीक है निशांत कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन करो, वैसे आपका माइक बहुत ऑन रहता है। आपने ए पे टिक क्यों लगाया? अभी आपने माइक ऑन करके कहा था डी ऑप्शन सही है, और चैट सेक्शन में आप लिख रहे हो ए सही है, ऐसा क्यों किया? जानबूझ के गलत क्यों लिख रहे हो चैट सेक्शन में? क्यों लिख रहे हो जानबूझ के गलत? जिस बच्चे का बार बार नाम आ जाए ना फिर वो बच्चा याद हो जाता है, समझ गए? नेक्स्ट टाइम से फिर स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी मैं। देखो इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, डी इसका सही उत्तर है। ठीक है डी इसका सही उत्तर है, सी तो हो ही नहीं सकता जिन बच्चों ने सी पे टाइप किया है। मैं ए मान सकती हूँ, बी मान सकती हूँ, डी मान सकती हूँ, सी तो मैं मान ही नहीं सकती, है ना। हमने देखा है कि इस तरह के नंबर्स ना तो हमारे पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं, ना पूर्णांकों के अंदर, ना प्राकृत के अंदर आते हैं, तो ये ऑप्शन कैसे लगाओगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। ठीक है तो ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या भी होती है पूर्णांक भी होती है परंतु प्राकृतिक नहीं होती। तो अगर मैं देखूं जीरो ही तो ऐसा नंबर है, जीरो ही ऐसे नंबर है जो होल नंबर्स के अंदर भी आ रहा है, ठीक है इंटीजर्स के अंदर भी आ रहा है, बट नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता। होता है आप बताओ? नहीं होता ना, तो फिर कैसे बोल दोगे? डी इसका सही उत्तर है कि जीरो ही ऐसा संख्या है जो होल नंबर में भी आता है, जो इंटीजर में भी आता है, बट नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता। क्लियर हुआ सभी को? सोहित कुमार के नाम से जो बच्चा है, हाँ क्लियर ना? ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलती कि जल्दी कौन कर रहा है, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि सही कौन कर रहा है, जो बच्चा देर में करेगा और जो बच्चा जल्दी कर रहा है जिसने गलत किया वो ज्यादा सही है, फिर जो देर में कर रहा है उसने सही किया, मार्क्स तो उसे मिलेंगे ना जिसने सही किया, मार्क्स इस चीज के नहीं मिलते ना कि आप कौन बच्चा जल्दी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी फिर ही पोल सेक्शन में आंसर करना, मैं पोल में ना क्वेश्चन ही लॉन्च नहीं करती, क्वेश्चन ही ला दूं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप बहुत जल्दी आंसर करते हो। देखो ये आपको बैग दिख रहा होगा ना, इस बैग को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि बैग में जितनी भी संख्याएं भरी हुई है, संख्याएं दिख रही होंगी आपको, जितने भी नंबर्स हैं वो कौन से तरीके के नंबर्स हैं, क्या वो प्राकृतिक नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स का ग्रुप दिख रहा है, पूर्णांकों का, होल नंबर्स का, या सभी? माइक ऑन करके आंसर है, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना, बिल्कुल भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करना। चलिए क्या बोला था थोड़ी देर पहले, समझ में नहीं आया। मैंने आपसे बोला कि आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो पूरा जो संख्याएं दिख रही है ना ये किस तरह की संख्याओं के अंदर आ रही है, क्या वो प्राकृतिक संख्याएं दी गई सभी संख्याएं, क्या वो पूर्णांक है, क्या पूर्ण संख्या है या सभी है, प्रश्न ये बोला। मैंने कहा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद आंसर करता। चलिए कीजिए आंसर इसका पोल सेक्शन में। फिर गलत कर रहे हैं, देखो 13 में से 8 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया, क्या कर रहे हो बेटा, फिर ध्यान से नहीं कर रहे हो, फिर गलत। ज-
ध्यान से पढ़ लो, फिर से नंबर्स को ध्यान से देख लो, ऑप्शन को ध्यान से देख लो, गलत कर रहे हो आप। 9 बच्चे 9 10 11 16 में से 11 बच्चों का आंसर गलत है। माइक ऑफ रखो विष्णु, माइक ऑन हो रहा है आपका बार बार। लास्ट के 5 सेकंड्स और बेटा, 5 5 4 3 2 1। चलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करना है इसका भी, सभी बच्चे चैट में आंसर करेंगे। मैं जा रहा हूँ, नेट खत्म। चैट सेक्शन में मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। यस ठीक है, चलो सभी बच्चे वही आंसर करेंगे जो आपको लग रहा है, देख के आंसर नहीं करना। फिर मैं बताऊंगी कौन वो बच्चे हैं जिनका आंसर एकदम सही है। चलो ये चलो मतलब प्रॉपर क्वेश्चन है जिसमें सभी को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का गलत है ये। प्रियांशु मैं जा रहा हूँ, प्रीतम, सोहित कुमार, जतिन के नाम से ये जो बच्चे हैं ना, सिर्फ इन्हीं का आंसर ठीक है। सिर्फ इन चार बच्चों का आंसर इन्होंने चैट में किया, सबका ठीक है इन चारों का, बाकी सभी का गलत है। मैं जा रहा हूँ। बेटा आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो, क्यों जा रहे हो? नेट नहीं है मैम। ठीक चलो समझ ले इसको, सभी का गलत है, सिर्फ चार बच्चों का सही है। देखो आप नंबर निखिल भारद्वाज, क्लास से रिमूव कर दूं मैं आपको बेटा? आवाज करो बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना नंबर्स को, तो सबसे पहला आप बोल रहे हो कि डी ऑप्शन सही है, मतलब कि सभी तरीके के नंबर है। आपने यहाँ पे जीरो को देखा, जीरो दिख रहा है ना सभी को? अब मुझे बताओ क्या जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या में आता है? इससे पहला प्रश्न यही था, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या में आता है? चैट सेक्शन में लिखो क्या जीरो प्राकृतिक संख्याओं में आता है, क्योंकि माइक आप ऑन नहीं कर पाओगे, मैंने ऑफ कर दिया। फिर मुझे बताओ ऑप्शन डी का सही उत्तर कैसे होगा? आप लोग कह रहे हो कि सभी तरह की संख्याएं इसमें शामिल है, पर जब जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या में आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, तो डी ऑप्शन कैसे सही होगा? ना थोड़ी सी आपने अकल नहीं लगाई कि जीरो आपको दिख रहा था, इससे पहला क्वेश्चन सेम यही था कि आपको ये बताना था कि जीरो हमारा मतलब जीरो ही ऐसा संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो जीरो है, टू है, माइनस के नंबर है, ये तो जो हमारा ग्रुप है सॉरी ये पूर्णांकों का ग्रुप है, इंटीजर्स का ग्रुप है, 20 का सही उत्तर है। क्लियर हुआ? जीरो को तो देख लेते आप लोग, जीरो को देख लेते तो आपका आंसर गलत नहीं जाता। सभी को समझ में आया? पूर्णांकों का इंटीजर्स का ग्रुप है ये। सभी को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा इसे नहीं समझ में आया? कहाँ पे समझ में नहीं आया? सरिता शर्मा के नाम से जो बच्ची है। बेटा देखो आपको यहाँ जीरो दिख रहा है, जीरो दिख रहा है ना? आप मुझे बताओ क्या जीरो प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो आता है? प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होती है ना, है ना? तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप है पूरा, क्योंकि इसने जीरो दे रखा है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का भी ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं दे रखी है, नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं, जो कि हमारे पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आते होल नंबर्स में। तो कौन सा ऑप्शन बचा? जब ए नहीं है, सी नहीं है, तो डी तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो
तो कौन सा ऑप्शन बचा? बी ऑप्शन। अभी क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, इंटीजर्स के इतने ही क्वेश्चन थे। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से देती हूँ, क्या आपको इंटीजर्स में प्रॉब्लम हो रही है, एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से आपको देती हूँ। कि मैंने ना फिर से ग्रुप ले लिया, ये जो ग्रुप है आप मुझे बताओ कौन सी संख्याओं का ग्रुप है, चैट सेक्शन में लिखना। ये जो ग्रुप लिखा है मैंने, चार संख्याएं लिखी है, कौन सी संख्याओं के अंदर आती है? 1, 2, 4, 0 किस तरह की संख्याओं के अंदर आती है? एक ही, जरूरी नहीं एक ही आंसर हो इसका, जरूरी नहीं है एक ही आंसर हो इसका। हाँ आप सिंपल से ना उसका सिंबल ही लिख दो, सिंबल प्रेजेंट कर दो, मतलब सिंबल ज्यादा बेटर है, पूरा आंसर लिखने के बजाय सिंबल लिख दो। ठीक है, सभी बच्चे लिखो, अभी भी मुझे वो आंसर नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। यस, अब जाके मुझे एक सही आंसर मिला है, विष्णु कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग बोल रहे हैं कि ये होल नंबर्स के अंदर आ रहा है ये सेट, पूरा हमारा पूर्ण संख्याओं का है, क्या यही सेट हमारा पूर्णांकों का नहीं है क्या? मैंने बोला एक ही आंसर नहीं हो सकता, क्या यही सेट हमारा पूर्णांकों के अंदर नहीं आता? 1, 2, 4, 0 पूर्णांकों में भी तो आ रहे हैं, इंटीजर्स में भी आ रहे हैं, तो आप सिर्फ होल नंबर्स क्यों लिख रहे हो, डब्ल्यू क्यों लिख रहे हो, डब्ल्यू और जेड दोनों में आते हैं, समझ में आया? तो वही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा जो पढ़ा है उसे रिवाइज करो, सोचो दिमाग में कैसे आंसर आ सकता है, क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनने वाला हमेशा। क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट? सब क्लियर? ठीक है, तो अब मैं आपको आपका आज का जो होमवर्क है वो दिखा रही हूँ, क्लास से कोई बच्चा लीव नहीं होगा अभी फिलहाल, होमवर्क दिखा देती हूँ, होमवर्क वाली स्क्रीन दिखा रही हूँ, कोई भी क्लास से नहीं जाएगा। ठीक है, 1.1 और 2.1 हमने कर लिया था, आज सिर्फ आपको एक ही एक्सरसाइज में दे रही हूँ 3.1। ठीक है, पूर्णांकों की, इंटीजर्स की प्रश्नावली 3.1। ठीक है, और आपकी क्लास यहीं तक ही है, अगली क्लास में जब भी आओगे ना तो फिर से प्लीज जो रिकॉर्डिंग